विधायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार रात बिग बी ने खुद ट्विटर पर यह जानकारी दी कि वो कोरोना से संक्रमित हैं। रविवार दोपहर बाद इस खबर की पुष्टि हुई कि अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी कोरोना से संक्रमित हैं और फिलहाल सभी मुंबई के नानावटी अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती हैं। सबकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि ऐश्वर्या की सास जया बच्चन की कोविड 19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आने के बाद से ही देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। फिल्मी हस्तियों से लेकर खेल की दुनिया के दिग्गजों ने भी ट्वीट कर अमिताभ के जल्द ठीक होने की दुआ की है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता योगेश, जो इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हैं। योगेश, सबसे पहले कि क्या कुछ जानकारी आ पा रही है? जो हमको बताया गया वो यही कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है आपको नानावटी अस्पताल से? देखिए, नानावती अस्पताल की तरफ से सुबह में ही जो पीआरओ है उन्होंने एक मैसेज जो है वो मीडिया कर्मियों को दिया था कि दोनों स्टेबल हैं, जो ऑक्सीजन उनका लेवल है वो भी ठीक है और दोनों जो है फिलहाल उनको ऑब्जर्वेशन ये आइसोलेशन वार्ड में जो है वो रखा गया है। उसके बाद से अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। हालांकि जो अंदर में जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि सुबह उन्होंने नाश्ता भी किया है, अमिताभ बच्चन ने नाश्ता भी किया और जो वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर भी कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि जैसा कि कल भी कहा गया था कि अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि वो खुद ही जो है प्रसन्न सकूं या फिर जो जो उनके चहेते हैं जो उनके फैन हैं उनके साथ खुद ही संवाद स्थापित करें और उसके लिए उन्होंने ट्विटर को माध्यम भी बनाया था। इन्फॉर्मेशन भी जो पहली है वो खुद उन्होंने ही ट्विटर पर दिया था। दूसरी जहां तक दूसरे हिस्से की बात करें तो जो बीएमसी प्रशासन है उसने उनके जो भी बैंगलोज हैं यहां पे, चाहे वो जलसा हो, जनक हो या फिर वत्स हो, प्रतीक्षाओं जो भी उनके बंगले हैं उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। जहां तक ऐश्वर्या और आराध्या की बात है तो फिलहाल उनको यही सजेस्ट किया गया है कि वो घर पर रहें, लेकिन हालांकि वो अगर चाहें तो अस्पताल में भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि वो असिम्प्टोमेटिक हैं तो फिलहाल जो है उनको वहां पे रहने के लिए ही जो है सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा 30 के करीब जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो इन जगहों पर काम करते थे, कुछ हाई रिस्क में कैटेगराइज किए गए हैं, कुछ लो रिस्क में कैटेगराइज किए गए। जो लोग हाई रिस्क में कैटेगराइज किए गए हैं उनका भी टेस्ट जो है वो होना बाकी है और कुछ के टेस्ट हो चुके हैं जिसकी रिपोर्ट जो है वो अभी आनी बाकी है। जो लोग लो रिस्क में हैं उनको कहा गया है कि आप अभी जो है वो अंदर ही रहें। पूरे जो उनके बंगलोज हैं उनको जो है कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है, ना कोई अभी अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। योगेश, साथ ही हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने बीएमसी की टीम है वो वहां पे जो है मुस्तैद है, तो ओवरऑल सिचुएशन। योगेश, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जितने लोग मेरे संपर्क में पिछले 10 दिन में आए हैं वो सब अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को लेकर किस तेजी से काम हो रहा है। देखिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर महाराष्ट्र में पहले ही पॉलिसी उसकी बन चुकी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो एक तरीके का जो प्रोटोकॉल है उसमें ही उसको इंक्लूड किया गया। जिस तरीके से पहले हमने देखा था, ये प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया था कि अगर किसी को सिम्टम है तो ये ओनस उस पर किया गया था कि वो खुद जो है हॉस्पिटल प्रशासन या डॉक्टर को खुद ही इन्फॉर्म करे। तो इसी तरीके का प्रोटोकॉल जो था वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत जो है वो यहाँ पे उनके साथ जो भी या तो कॉन्टैक्ट में थे उनको या फिर जो हाई कॉन्टैक्ट थे, लो कॉन्टैक्ट थे, उनको ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो ट्रेस करके और साथ में जो उनके टेस्ट हैं या फिर जो अलग फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पे की जा रही है। खुद राजेश टोपे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो खुद उन्होंने सुबह भी ये कहा था कि जो यहाँ पे जो इंचार्ज हैं पेटकर जी, डॉक्टर पेटकर जो हैं, जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनको जो है वो उनके साथ टच में है और जो पूरी स्थिति को जो है वो उसको जो है ऑब्जर्व करें। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो पूरे बीएमसी प्रशासन नहीं बल्कि अगर आप देखें तो होम मिनिस्टर जो यहाँ के अनिल देशमुख या फिर देवेंद्र फडणवीस जो एलओपी हैं, मतलब ओवरऑल सारे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं। इसके अलावा जैसा आपने एंकर में भी कहा कि जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे वो कला से जुड़े हुए हैं, इन सब लोग अभी चूंकि सबकी नजर इस पे लगी हुई है तो जो अपडेट्स हैं वो भी वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी खुद अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि वो खुद ट्विटर पे इन सब चीजों को लेकर जो है वो सीधा मैसेज करें तो इसीलिए सारी चीजें जो है साफ होकर नहीं आ रही है। जी योगेश, हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं और इसलिए वो सीधे अपने फैंस के साथ संवाद करना पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। और वैसे भी जैसा कि हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर